एंड में आज आप लोगों को कुछ यूनिक चीज शो करूंगा। Hey guys, good morning to all. Welcome back to my new vlog. I hope you are doing well. So guys, आज वेडनेसडे का दिन है एंड मॉर्निंग के 6 AM हो रहे हैं और टाइम है ट्रेनिंग करने का। सो आप लोगों को पता ही है कि रेगुलर ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दिल्ली गर्मी ने ऐसी तैसी कर रखी है। गुड मॉर्निंग ब्रूनो, गुड 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 मॉर्निंग। चलो 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 गाइस, सावर लेके आ चुके हैं। अब टाइम हमारा ब्रेकफास्ट करने का, तो ब्रेकफास्ट में आप लोगों को शो कर देता हूं मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा हूं। सो गाइस, ये देखो, ये हमारे बॉयल पोटैटो आ चुके हैं। बस इसको मैश कर रहा हूँ, मैश करते के साथ ही खाएंगे थोड़ा सा बॉयल पोटैटो एंड निकल लेंगे डायरेक्ट फिर ट्रेनिंग के लिए। सो गाइस, बॉयल पोटैटो तो खा लिया, अब साथ में थोड़ा सा ओट्स खाते हैं। चलो भाई, ये भी खाते हैं जल्दी जल्दी और निकलते हैं। चलो गाइस निकलते हैं। बाय बाय ब्रूनो, बाय मम्मी, बाय बाय। सो चलो गाइस निकलते हैं। अनुज ऑलरेडी पहुंच गया है एंड प्रेम भैया के भी जस्ट अभी कॉल आई थी, प्रेम भैया पहुंचने वाला पार्सल के साथ में। चलो हम भी निकलते हैं, हम भी पहुंचते हैं। चल सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क में। आज हमने पार्क चेंज करा है, आज हम लोग आए चर्च वाले पार्क में। ये देखो, जो कि सेक्टर 10 में ही है। सो चलते हैं बंदा डायरेक्ट ट्रेनिंग करने के लिए। 7:20 हो चुके हैं, भैया अभी तक नहीं है। एंड देखो नट्टू आ गया, क्या रहे नट्टू बड़े, एंड देखो नेगी ब्रो भी आ गया, क्या रहे नेगी भाई। एंड ये देखो हमारे अनुज चौधरी आगे इधर सो रहे थे भाई। उसको मेडिटेशन बोलते हैं। सही है भाई। तो क्या लगता है भैया कब तक आएंगे? तो गाइस फिलहाल भैया का ही वेट हो रहा है कि भैया हैं, फिर हम लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि भैया की 8:30 एक जगह पीटी भी होती है। तो भाई जल्दी जल्दी भैया हैं, फिर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। भाई सबको हो चुका है, चलो अब निकलते हैं डायरेक्ट घर के लिए। पहले नट्टू को छोड़ेंगे हिस्सा भारती, फिर वहाँ चलेंगे डायरेक्ट घर। सो गाइस, नट्टू को तो हमने छोड़ दिया यहाँ पे, अब चलो अनुज जी को बाय बोलते हैं। चल भाई निकलता हूँ, ठीक है, बाय बाय। तो गाइस चलो हम भी अब घर के लिए निकलते हैं, आप लोगों से घर चल के मिलेंगे, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे। सो लेट्स गो भाई, चलना है प्रैक्टिस, चलना है ना। चलो गाइस निकलते हैं डायरेक्ट अब घर के लिए। हम आ गए ब्रूनो, ब्रूनो जी हम आ गए, हो गए इधर आ गए बुनो बेटू 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 बेटू। चलो यार गाइस, खाना तो हो गया, खाना में खाए हमने ये देखो, ये अंडे की सब्जी एंड साथ में रोटी आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड यार अभी दूध पीना है, बट दिक्कत ये है कि जो मेरा बॉर्नविटा है, ये देखो ये रहा बॉर्नविटा, देखो छोटा सा पैकेट, ये खत्म हो गया। चलो चलते जरा शॉप पे, एक छोटा सा बॉर्नविटा का पैकेट लेके आते हैं, क्योंकि मैं दूध ना बिना बॉर्नविटा के नहीं पीता। तो चलते पहले चल के एक बॉर्नविटा का पैकेट लेके आते हैं। सो गाइस फाइनली हम बॉर्नविटा लेके आ गए एंड हमारा बॉर्नविटा वाला दूध आ गया। 10 बज चुके हैं, देखो 2 घंटे सोएंगे, 12 बजे अगर हम उठेंगे फिर जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। सो गाइस सो के उठे हैं अभी आधे घंटे पहले, अब निकलते जरा प्रैक्टिस के लिए। आज क्या हुआ, प्रैक्टिस के लिए मेरे को बेसिकली आ जाना था विकासपुरी,
बट मैं टाइम पे नहीं उठ पाया, मैं उधर नहीं जा पाया, तो मैं जा रहा हूँ बॉलिंग मशीन पे। एंड मैं आज आप लोगों को कुछ यूनिक चीज़ शो करूँगा अपने प्रैक्टिस वाले किट बैग के अंदर, मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करता हूँ मैं आज आप सभी को वो चीज़ शो करने वाला हूँ। प्रैक्टिस तो मैं अपनी डेली दिखाता हूँ, बट आज मैं आप लोगों को ये चीज़ शो करूँगा कि मैं किस चीज़ से प्रैक्टिस करता हूँ एंड मैं क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस के लिए कैरी करता हूँ। चलते डायरेक्ट अब बॉलिंग मशीन के वहाँ पे एंड वहीं पे चल के आप लोगों को शो करूँगा कि मैं अपने प्रैक्टिस वाले किट बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें लेके आता हूँ। सो गाइस, बेसिकली जो मेरा प्रैक्टिस वाला किट बैग है वो बॉलिंग मशीन के वहीं पे रखा हुआ है, तो हमें बस अपना कैरी बैग लेके जाना है। एंड ये देखो गाइस, ये चोट ऐसी हो रही है कुछ। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं बॉलिंग मशीन के यहाँ पे। एंड देखो, और अनुज क्या हाल है भाई, गया नहीं प्रैक्टिस पे? उधर प्रैक्टिस पे नहीं गया? अच्छा, मौसम थोड़ा वैसा हो रखा था ना, तो यहाँ पे आ गए, सही है। और अमन क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। सो गाइस, ये लो देखो, अपना बैटिंग एक्शन कर रहे हैं। आज आप लोगों को शो करने वाला हूँ कि जो ये वाला किट बैग है, ये मेरा प्रैक्टिस वाला किट बैग, ए टू जेड आप लोगों को चेन में शो करूँगा कि मैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैरी करता हूँ एंड क्यों कैरी करता हूँ। तो चलो चलते डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कैरी बैग से स्टार्ट करता हूँ। तो कैरी बैग के अंदर पहले मैं आप लोगों को शो करता हूँ एक चीज़ जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ कहीं पर प्रैक्टिस या मैच के लिए कहीं पर आता हूँ। सबसे मेन है ट्राईपॉड, जो चीज़ मैं हमेशा कैरी करता हूँ, चाहे मैं प्रैक्टिस में जाऊँ चाहे मैं मैच में जाऊँ, तो ये ट्राईपॉड ज़रूर कैरी करता हूँ। तो सबसे पहले चलते जरा ट्राईपॉड यहाँ पर फिट करते हैं एंड उसके बाद फिर हमारी पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ट्राइपॉड सेट हो चुका है, चलो फोन को इसके अंदर लगाते हैं। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कैरी बैग से। मैं कैरी बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें कैरी करता हूँ, तो इसमें जो टॉप चेन है इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले देख, मैं परफ्यूम मैं कैरी करता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को पता है कितनी गर्मी हो रही है पसीनों से के कारण। एंड फिर चार्जर हमेशा कैरी करता हूँ क्योंकि जो मेरा ब्लॉग वाला फ़ोन है इसकी बैटरी हमेशा डाउन होती है, तो इसलिए चार्जर हमेशा मैं कैरी करता हूँ। फिर बाकी ये स्लीव भी कैरी करता हूँ मैं प्रैक्टिस अच्छे आता हूँ, अगर जैसे कि अभी इंडोर आता हूँ तो जरूरत है स्लीव की, बट अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो उसके लिए कैरी करता हूँ। फील्डिंग सेशन होता है फिर उसका प्रैक्टिस के टाइम पे, तो इन चीज़ों के लिए स्लीव भी कैरी करता हूँ। एंड बाकी हमारा ये सिंकरा जो कि मैं यूज़ करता हूँ पला स्पोर्ट्स का, तो ये सिंकरा मैं कैरी करता हूँ मैच के टाइम पर भी ये वाला सिंक यूज़ करता हूँ मैक्सिमम टाइम। फिर नीचे चेन में आती है मेरी ये ओकली जो कि मैं हमेशा अपने आप कैरी करता हूँ, ये मेरा मैच में मैच भी यूज़ करता हूँ प्रैक्टिस के टाइम पर भी, जब कोई बॉलिंग वॉलिंग करनी होती है, जब कोई फील्डिंग वील्डिंग करनी होती है, तो उसके लिए ये चीज़ रखता हूँ हमेशा अपने पास ओकली। एंड फिर एक ये जब मैं स्कूटी स्कूटी चलाता हूँ उसके टाइम पर ये चश्मा पहनते हैं, ये जो कि मैंने नारायण भाई ने गिफ्ट किया था आप सभी ने देखा होगा, तो नारायण भाई थैंक्स, नारायण भाई का गिफ्ट है नारायण भाई का थैंक्स कैपी। बाकी ये मेरा पार्स है, इसमें क्या कही जाए तो मैं आप लोगों को शो नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं सच में, इसमें कुछ नहीं है गाइस, देख लो ये देख लो गाइस, ये देख लो भाई, इसके अंदर मेरे देखो पापा की फोटो है, देखो ये मेरे पापा की फोटो भाई इसके अंदर यही है, और एक कोई पुराना नोट है, एक या दो रुपये का नोट है जो मैंने बहुत टाइम से रखा हुआ है। एंड बाकी जब बोला गया तो ये देखो कार्ड वार्ड है इसके अंदर, मेट्रो वेट्रो कार्ड है ये देखो, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक और एक छोटी चेन है, तो उसके अंदर देखो मैं एक और एक परफ्यूम रखा है अपना फॉग का। एंड बाकी ये मेरे ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स से मेन चेन बोलो तो इसके अंदर देखो मैं दो कैप रखता हूँ प्रैक्टिस के लिए, मेरी कैप ये वाली है एंड फिर प्रैक्टिस खत्म होते ही वाली कैप पहनता हूँ जो मेरे को इंस्टाग्राम से मिली थी, तो ये दो कैप रखता हूँ अपने पास। और बाकी ये दो वाटर बॉटल में से कैरी करता हूँ, ये वाटर बॉटल भी इंस्टाग्राम से आई थी और ये वाटर बॉटल, दो वाटर बॉटल में से ठंडी अपना कैरी करता हूँ प्रैक्टिस के टाइम के लिए। फिर मैं अपने आगे कुछ क्लोथ्स रखता हूँ प्रैक्टिस के, क्या होता है जैसे कि ये मेरी सैंडो है, जो भी टी शर्ट पहनता हूँ पूरी गीली हो जाती है पसीने के कारण, तो अगर हम वही चीज़ पहन के बाहर जाएंगे तो पसीने के कारण फिर उसका बैक पेन वैक पेन होता है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ें कैरी करता हूँ हमेशा प्रैक्टिस के बाद के लिए, ये टी शर्ट पहन लेता हूँ जैसे प्रैक्टिस होते हैं उसके लिए चीज़ चेंज करने के लिए, और एक शॉर्ट्स भी कैरी करता हूँ। सो गाइस, चलो आते हैं मेरे किट बैग के ऊपर कि किट बैग के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करता हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे मेन चीज़ से, तो मेन चीज बोलने का थी मेरा तो प्रैक्टिस वाला किट बैग है, उसके अंदर मैं प्रैक्टिस वाला एक हेलमेट कैरी करता हूँ हमेशा, तो ये रहा मेरा प्रैक्टिस वाला हेलमेट जो कि श्रेफ है, ये हेलमेट भी बहुत ज़्यादा टॉप क्वालिटी का है। पहले मैं इसको मैच के लिए यूज़ करता था बट मैंने रिसेंटली एक मैच के लिए बाय नया कर लिया, तो इसलिए मैं इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ। फिर आते हैं इस पॉली बैग के अंदर मैंने अपने प्रैक्टिस वाले शूज़ रखे हुए जो कि प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ, ये वाले शूज़ हैं एसिक्स के शूज़ भी जो कि नारायण भाई ने गिफ्ट किए थे, तो ये वाले प्रैक्टिस के लिए मैं अपने शूज़ यूज़ करता हूँ। हमेशा अपने पास बॉडी को रिलीज करने के लिए, बॉडी को वॉकअप करने के लिए हमेशा उनका काम आता है, तो ये चीज़ मैं हमेशा रखता हूँ। दैन उसके बाद मैं वो अपना थाईपैड यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को नमन ने गिफ्ट किया था रिसेंटली, ये थाईपैड भी हमेशा अपने पास प्रैक्टिस करता हूँ। एंड बाकी वैसे मेरे पे जो मेरा एस्कस ब्रांड है जिसमें मैं स्पॉन्सर्ड हूँ उनका थाईपैड ही पड़ा है, उनका थाईपैड मैं यूजली बहुत कम यूज़ करता हूँ।
एंड फिर मेरे प्रैक्टिस वाले पैड्स ये हैं, शो करता हूँ ये दो गाइस, मेरे जो प्रैक्टिस वाले पैड्स हैं वो ये है एस्कस के हैं, और बाकी के प्रैक्टिस के लिए मैं एक्चुअली मैं इनर्स भी यूज़ करता हूँ, इनर्स मैं हमेशा दो जोड़ी यूज़ करता हूँ क्योंकि आप लोग पता आजकल गर्मी की थ्योरी सेशन लगे रहते हैं, तो इसी के लिए दो जोड़ी मैं हमेशा इनर्स रखता हूँ कि अगर मान लो कि एक पेयर अगर डील होगा तो सेकेंड पेयर मेरा काम आ जाएगा लॉन्ग बैटिंग करने के लिए। फिर हम लोग आते हैं ग्लव्स के ऊपर कि मैं ग्लव्स कितने कैरी करता हूँ अपने किट बैग के अंदर, तो गाइस मैं ग्लव्स कैरी करता हूँ फोर पेयर प्रैक्टिस के लिए, एंड आप लोग देख सकते हैं जो फोर पेयर में सारे वैसे मैं एसएसएस किए क्योंकि आप लोग पता है कि आपके भाई एसएसएस के स्पॉन्सर्ड है, तो फोर पेयर में मैं कैरी करता हूँ, तीन पेयर जो मैं एसएसएस के हैं ये देखो, आप लोगों को पता है देखो लॉन्ग बैटिंग के देखो तो जो ग्लव्स होते हैं गीले होते हैं, आजकल कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, स्वेटिंग होती है, तो अगर एक दो पेयर बहुत ज़्यादा गीले हो जाएंगे फिर लॉन्ग बैटिंग नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैं तीन से चार पेयर ऑल टाइम अपने कैरी करता हूँ। जो फोर पेयर है वो है मेरे पे ये मास्क के पुराने मेरे को भैया ने गिफ्ट करा, तो ये मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ, इसके लिए कभी भी नॉर्मल लॉक नहीं होती करने में, तो उसके लिए मैं ये वाले पेयर हमेशा यूज़ करता हूँ। देन आफ्टर दैट ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम भी तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एज की वर्क एंड बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए अपने कैप भी रखता हूँ, अगर मान लो मैं कभी आउटडोर ट्रेनिंग कर रहा हूँ या आउटडोर प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके टाइम पर ये कैप पहन यूजली मैंने सोचा प्रैक्टिस के लिए इस कैप पर। नॉर्मली बैटिंग करा था आज, बस मन करा था एक साइड करने का, इसलिए एक साइड ही करा, चलते डायरेक्ट घर के रेडी करते हैं। सो गाइस जस्ट अभी प्रैक्टिस आया था गोल्डन का घर पे, एंड कल मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, पापा तो जम्मू में है पोस्टेड, तो पापा यहाँ पे है नहीं तो मम्मी है, तो सब जा चुके हैं राजनगर घर पे, बस मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, एंड दोबारा से एक पोपट हो गया घर में, ताला मार के चले गए सबके सब, ऊपर वाले फ्लोर पे भी मेरा कैरी बैग रखा था ऊपर, एंड उसके अंदर ही मेरी स्कूटी की चाबी थी, मेरे को जाना पड़ेगा अपनी साइकिल से, एंड मम्मी की एनिवर्सरी तो सेलिब्रेशन करने के लिए जाना तो पड़ेगा ना, अनुज से स्पीकर इसलिए लिया क्योंकि रास्ते में बढ़िया गाने सुनते जाएंगे। एंड गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख देना हैप्पी एनिवर्सरी टू अंकित मॉम एंड डैड, अच्छा लगेगा मेरी मम्मी पापा भी जब कमेंट्स वमेंट्स देखेंगे तो उनको भी अच्छा फील होगा, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के आना। चलो भाई निकलते हैं डायरेक्ट अब राजनगर वाले घर पे, थोड़ी बहुत साइकिलिंग भी करनी है, मेहनत भी हो जाएगी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, मजा आएगा, लेट्स गो। सो गाइस ऑल सेट टू गो, तो इसने अपनी साइकिल साफ कर ली है एकदम, चलो भाई निकलते हैं डायरेक्ट अब राजनगर वाले घर पे। तो गाइज एक बक हो गया अपने, आज जो स्पीकर लिया था मैंने उनसे वो हो गया बंद, एंड अब बिना सॉन्ग्स के जाना पड़ रहा है, एंड द्वारका तक ही पहुँचे थे, पहुँचते गाते स्पीकर बंद हो गया। बाकी गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, एंड इतना मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करने में, और अभी आज मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, हवा भी मस्त चल रही है, तो बस सोच रहा हूँ कि साइकिलिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, बट मॉर्निंग में ट्रेनिंग भी करनी है इसलिए एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, चलते हैं डायरेक्ट अब आप लोगों से घर चल के मिलते हैं। इस पहुँच चुके हैं हम लोग राजनगर वाले घर पे, जस्ट अभी पहुँचे हैं, ये देखो ये हमारी साइकिल, मम्मी अभी ऊपर से नीचे ब्रूनो को भेज रहे हैं क्योंकि ब्रूनो को नाइट वॉक कराना होता है, टॉयलेट वॉलेट उसको सब कुछ कराना होता है, तो ब्रूनो अभी आएगा नीचे थोड़ी देर उसको घुमाएंगे। ये देखो हमारे ब्रूनो जी आ गए, ब्रूनो फर्स्ट फर्स्ट क्रिश हो गया तुम, अरे ब्रूनो गाइस गाइस को देख लो बिना बताए देखो बाहर निकल गया बेवकूफ कहीं का, बिना बताए कौन निकलता है बाहर में, ये देखो भाभी जी देखो मम्मी के साथ घर पे आते देखो मेहंदी वेहंदी लगा रही हैं, किसके लिए सज रहे हो भाई, डैडी तो जम्मू में है, देखो इसको देख लो ये क्या कर रहे हो भाई, अच्छा पिज्जा खाने के लिए, अरे देख लो टुकू को देख लो, ये देख लो ये देख लो, बच्चे बच्चे हो गए घर में भाई सब, क्या करें इनका भाई, इन टिंगू टिंगू ला लोगा, इनको देख लो, इसका नाम क्या रखना है भाभी, कुछ सोचा होचा है, इसका भी ऐसे ही रखो। चलो गाइज आप लोग ही बताओ कि इस न्यू बेबी का नाम क्या रखा जाए, देखते हैं जरा क्या क्या कमेंट्स आएंगे इस न्यू बेबी के लिए, और इस टिंगू लाल को अरे अरे गाइज मम्मी का केक वेक आ चुका है, एंड ये देखो इसको देखो फोटो खींचनी आती नहीं है मेरे बड़े भाई को, फिर ये फोटो खींचेगा और हवाबाजी करेगा सबके सामने, एंड ये टुकू देखो टुकू स्पेशली कह रहे हैं कि आज व्लॉग बनावा ना टुकू,
तो पहले आके दादी को विश तो कर दो, हैप्पी एनिवर्सरी, जल्दी आओ इधर आके विश करो ना। तो गाइस हम लोग करने जा रहे हैं डैडी को विश, ही देखते हैं डैडी फोन उठाते हैं कि नहीं। कॉलिंग ही आ रहा है यार, रिंगिंग नहीं हो रहा यार। एनिवर्सरी है मम्मी और डैडी की, देखो डैडी नहीं है, बताओ यार ना, डैडी का वीसी लग रहा है। तो गाइस हम लोग कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं, तो इन द काउंट ऑफ 3 2 1 हैप्पी एनिवर्सरी। बस डैडी नहीं है, बस डैडी कमी है, बाकी सब कुछ है यहाँ पे भाई। एंड गाइस ये देखो अब एज यूजुअली केक कटिंग जो सेलिब्रेशन होता है, केक कटिंग चल रहा है इन लोगों का, पागल लोग है, देख लो ये देख लो, सही है सही है। सो गाइस चलो डिनर करने का टाइम हो गया, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारे घर में बना चिकन, चलो भाई डिनर करते हैं और फिर व्लॉग भी अभी एडिट करना है यार। क्या ही कर रहे हो गाइस, देखो हमारे टुक्कू जी भी चल रहे हैं हमारे साथ रात में। ओए होए होए होए, तुम भी चल रहे हो क्या? चलो गाइस हमारा निकलने का टाइम हो गया इस वाले घर से, अभी चलते हैं अभी उस वाले घर पे, फिर चल के व्लॉग भी एडिट करते हैं। चलो भाई निकलते हैं। तो एक बच्चों के हम सब जा रहे हैं गोलटी वाले घर पे, क्योंकि मेरा जो सामान हमारे सबको उस वाले घर पड़ा है, मॉर्निंग में ट्रेनिंग के लिए भी जाना है, तो इसलिए उस वाले घर पे जाना जरूरी है। चलिए भाई हम भी चलते हैं, चलिए ब्रो नजर अंदर चढ़ जाइए, चलिए माँ गेट पड़े रखो। टुक्कू जी इतने दिनों बाद हमारे गोलटी वाले घर पे आके कैसा लग रहा है आपको? आज तुम हमने चाचू क्या छोगे। सो गाइस अब इस ब्लॉग को फिनिश करते हैं यार, अभी मम्मी गई है एक गिलास दूध लेने के लिए मेरे और टुकू के लिए, तो बस एक गिलास दूध पियेंगे और फिर सो जाएंगे। 2 बज चुके हैं, मॉर्निंग में ट्रेनिंग करने जाना है 5 बजे, आप लोगों को पता ही उठना पड़ेगा ट्रेनिंग करने के लिए, 6 बजे से हमारी ट्रेनिंग होती है, तो बस दोबारा हालत खराब होने लगे, दोबारा मैं आऊँगा दोपहर में सोऊंगा एंड कल यार प्रैक्टिस भी जाऊँगा जहाँ पे मेरे को जाना है, क्योंकि आज की तो मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी बट कल की नहीं छोड़ूंगा अपनी प्रैक्टिस। तो आई होप कि आप लोगों को वाली ब्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर ब्लॉग अच्छी लगी तो ब्लॉग पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मिलते हैं बहुत जल्द नई ब्लॉग में, टिल देन एवरीवन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। तो अब चलते थोड़ी देर कूल डाउन करते हैं।